दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका घर बिहार राज्य में पड़ता है और आप अपना आय, आवासीय, जाति, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सर्टिफिकेट या आचरण प्रमाण पत्र, मतलब कोई भी अपना सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन आवेदन दिए हैं और वो बना है कि नहीं, ये आपको जांच करना है, या अगर बना है तो उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, किसी भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि गूगल ओपन करना होगा और गूगल पे आपको लिखना होगा आरटीपीएस। जैसे ही आप आरटीपीएस लिखेंगे तो जो बिहार सरकार का वेबसाइट है, यानी कि serviceonline.bihar.gov.in, इसी वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है ना, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का फोटो दिखाया जाएगा और यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं दे का ऑप्शन है। इसमें जो है ना, जो भी जैसे आवेदन होता है, जैसे कि आय, आवासीय, जाति, ईडब्ल्यूएस या आचरण प्रमाण पत्र, ये इधर है। उसके बाद है इधर नागरिक अनुभाग, आपको दिखेगा। अगर आप मोबाइल फोन में खोले हैं तो ये थोड़ा नीचे, यानी कि 3-4 पेज नीचे दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का पेज खुलेगा। यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपने एप्लीकेशन नंबर को फिल कीजिए। तो आप अपना जो भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, आय, आवासीय, जाति, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट का नंबर आपको जो है ना, इस बॉक्स में फिल कर देना है। एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में लिखने को बोलेगा। तो जिनका आवेदन दिया है आपने या आप अपना खुद का दिए हैं तो उनका यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे कैप्चा आपको जो बॉक्स में दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, उसको इस बॉक्स में फिल कर देना है और डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, सर्विस प्लस खुलेगा। तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट में फिर से बोलेगा कि आप एप्लीकेशन नंबर को अपना फिर से इस बॉक्स में फिल कीजिए और उसके बाद जो यहाँ पे ब्लैक कलर में जो नंबर दिख रहा है, इसको कैप्चा बोला गया है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कीजिए और फिर डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। अगर हम बात करें सर्टिफिकेट का, तो आप सर्टिफिकेट यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा सर्टिफिकेट है। अब बात करते हैं कि जिनका सर्टिफिकेट बन गया है वो तो अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाते हैं, लेकिन जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना है उनको कैसे पता चले कि मेरा सर्टिफिकेट बना है कि नहीं, कहाँ किस प्रोसेस में है, ये सब तो पता करना होगा ना। तो ये सब पता करने के लिए आपको यहाँ पे आवेदन की स्थिति देखे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना, ट्रैक एप्लीकेशन का यहाँ पे डिटेल्स खुलेगा। अब इसमें यहाँ पे बोलेगा कि थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है और थ्रू ओटीपी एप्लीकेशन डिटेल्स है। तो हम यहाँ पे थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, इसको हम यहाँ से टिक कर देंगे। इसको टिक करने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर इस बॉक्स में फिल कीजिए। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे ट्रैक थ्रू बोल रहा है। तो आप एप्लीकेशन का सबमिशन डेट डालना चाहते हैं कि एप्लीकेशन का डिलीवर डेट डालना चाहते हैं, तो हम एप्लीकेशन का सबमिशन डेट डालना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर यहाँ पे जो है ना, बॉक्स के सामने टिक कर देंगे। अब टिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन डेट डालने का ऑप्शन आएगा। हम कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब बोलेगा कि आप जो है ना, डेट को डालिए। तो जो है ना, हम अपना यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेंगे, किस डेट को जो है ना, हमने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था। उसके बाद यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन में जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, इसको इस बॉक्स में फिल करना है और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा, डू यू वांट व्यू डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स योर एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे इसको यस कर देंगे, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि अगर मेरा बन गया होगा तो हम इसको डाउनलोड भी कर लेंगे। अब बोलेगा कि यहाँ पे जो है ना, आप एप्लीकेंट्स का नाम इस बॉक्स में डालिए। उसके बाद यहाँ पे उसके पिताजी का नाम आप इस बॉक्स में डालिए। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि उसके माँ का नाम आप इस बॉक्स में डालिए। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे जो है ना, आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर दिखाएगा और बोलेगा कि आपने किस फॉर्म के लिए आवेदन दिया है। जैसे ये मेरा जिसका हम स्टेटस चेक कर रहे हैं, वो मेरा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। बोला गया है कि एप्लीकेशन ड्यू डेट है 14/10/2024 का, इसका जो ड्यू डेट रखा गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर बता रहा है। अगर हम नीचे चले तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमने एप्लीकेशन का सबमिशन किया है, ये कंप्लीटेड हो गया है। उसके बाद जो है ना, प्रिंट डिटेल्स के बाद फॉरवर्ड होता है सीओ के पास, तो ये सब हो गया है हमारा। और यहाँ पे डिलीवर्ड एप्लीकेशन की बात करें तो ये सर्टिफिकेट हमारा डिलीवर्ड हो चुका है। इस तरह से अगर नहीं बना होगा तो यहाँ पे जो है ना, सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा, ये नील दिखाएगा या नो दिखाएगा। तो हम सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मान लीजिए हम सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरा ये भी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करके भी डाउनलोड कर पाएंगे और जो है ना, डायरेक्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट नहीं बना है, इसका मतलब डाउनलोड नहीं हो रहा है,
रहा है तो नहीं बना है, अगर डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है तो डायरेक्ट बन गया है। तो आपको जो है ना यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने पे पहले एक बार चेक कर लेना है कि मेरा बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो अब यहाँ पे आप आवेदन की स्थिति देखे पे जाके चेक कीजिएगा कि मेरा अप्लीकेशन अभी किसके पास पेंडिंग में है। जहाँ पे पेंडिंग बताया जा रहा है वहां पे आपको ब्लॉक में जाके उसको सुधार करवा लेना है, आपका सर्टिफिकेट बन के आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आप घर बैठे अपना आय, आवासीय, जाति या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या आचरण प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।